पता नहीं इसका, और ये मेरे ब्लॉग इतने अच्छे से देखते हैं कि इनको सब ही पता है। थोड़ा स्क्रिप्ट बताओ क्या क्या सुना अभी बता रहा था। हाँ कैफे खोला था गरीबी के दिनों में, बेसिकली कैफे नहीं था, टपरी थी, पर हम कैफे बोलते हैं, ऐसा कूल लगता है। नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं सुलेखा गढ़ेवाल द पेंटिंग मैजिक में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे आर्ट फेस्टिवल। इस वीडियो में आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं, दिस इज द एक्साइटमेंट फॉर द आर्ट फेस्ट। यस, इंदौर में हो रहा है आर्ट फेस्टिवल, मध्य प्रदेश आर्ट फेस्टिवल के नाम से जैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये ऑर्गेनाइज किया है कला स्तम ग्रुप में, और जिस ग्रुप में मैं भी हूँ। सो यस, ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, एंड ये बहुत मज़ेदार वीडियो बनने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट या आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक पेंटिंग एग्जीबिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, एंड डांस कॉम्पिटिशन, एंड म्यूजिक होगा, जो कि वो रात में होगा शायद, मैं उसे अटेंड ही कर पाऊंगी, बट यस म्यूजिक देखेंगे हम, और आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स देखेंगे, पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगा, ओपन माइक होगा, स्टैंड अप कॉमेडी होगी। सो यस, बहुत कुछ इंजॉय करने वाले हैं, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलने वाले हैं। सो आई एम रेडी फॉर दी आर्ट फेस्ट, चलिए चलते हैं, मेरी एक्साइटमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए। सो चलते हैं लोकेशन पे, एंड मिलते हैं वहाँ पे। सो एंजॉय दिस वीडियो गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। You know.
करी थी पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही, तो उनकी जगह आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखिए तो आइए अब हम मिलते दूसरे लोगों से। सो एक्चुअली ये है विक्रम भैया। हाय विक्रम भैया जा रहे हैं यहाँ एक सम्मेलन हुआ है, यहाँ सारे जो कवि है वो कविता के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं। तो आइए हम थोड़ा सा प्रीलोकेट करते हैं। गेट योर स्केच डन कला स्तंभ कला महोत्सव। पहले देख तो लें क्या क्या है। ये देखिए हेलमेट हमारे यहाँ शायद इसको कल्ले बोलते हैं। वही है ना कल्ले ही है ना। हाँ अच्छा बनाया आपने ये देखे बना रहे तब। ये वो क्ले से बनाते हैं ना ग्राउंड डाउन करें। हाँ नहीं अफ्रीकन आर्ट। हाँ हाँ अफ्रीका। हाँ देखो देवी आई है। कल अच्छा लग रहा था। फोटो देखे। हाँ देते हैं जैसे अखबार इसका ही बिजनेस है। इस टाइम पता है एक चीज़ देख रहे हो ये पत्थर से बना है। ये भी पत्थर का है। ये भी पत्थर का। ये क्या चीज है। ये गोमती है। क्या गोमती। गोमती गोमती क्या होता है इसका। ये पेड़ होता है। ये है रखने से मतलब अच्छा ही होता है। अच्छा पैसे की लाभ होती है। हाँ कल क्या है। सारे वेजिटेबल्स ढूंढते हुए सैंडविच में बिकॉज इन्होंने बोला था इसमें सारे वेजिटेबल्स आएंगे और बहुत फैंसी सा नाम दिया था इस डिश को तो अभी हम ढूंढ रहे हैं। ये लो भाई प्याज है कैप्सिकम है रेड है तो गायब हो गया।
तो सूर्य भाई एक बार दो शब्द बोल दें, एक बार आपके इस आर्ट वर्क के लिए सभी लोग जान लें, आर्ट वर्क को जानते नहीं पहचान लें एक बार। ये लाइव स्कल्पचर पोर्ट्रेट है, मॉडल बेस पे मैंने किया है इसको, करीब 2.5-3 घंटे लगे इसको बनाने में, और हम आर्टिस्टिक टर्म्स में इसको बस्ट बोलते हैं। नॉर्मली पेंटिंग को पोर्ट्रेट बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मॉडल है और ये इनका स्कल्पचर है। कितने बजे से बना रहे हैं आप ज़रा बता दीजिए ऑडियंस को प्लीज़। ये 2 बजे स्टार्ट किया था अप्रॉक्स मैंने, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको फिनिश किया है। तो पर्दा उठने जा रहा है प्रतिमा के ऊपर से। अरे भैया तो बहुत सुंदर, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। आज ही यहाँ पर इन्होंने छोटा सा क्लासरूम लिया था, बच्चों को बताया था कैसे इस आर्ट को बनाया जाता है, और आप सभी के सामने, हम सभी के सामने लाइव इन्होंने प्रस्तुत किया। सूर्य भाई आप बहुत अद्भुत हैं और आपका आर्ट बहुत अद्भुत है, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। थोड़ा जोर से। और हमारे वाले का साथ वाले खड़े तो आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सबको जरूरी आ जाओ। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुभाष यादव है और मैं दूध नहीं बेचता, हाँ बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं, लोगों को ऐसा लगता है यादव दूध बेचते थे ना, मैं दही बेचता हूँ है ना। तो लोगों ने कैफे खोला था गरीबी के दिनों में, बेसिकली कैफे नहीं था, टपरी थी, पर हम कैफे बोलते हैं, कूल लगता है। तो हम दोनों बर्तन धो रहे थे आपस में, फिर एक दूसरे को बोल रहे हैं कि उदासी में बैठे हैं, थोड़ा जोर से आज उदासी में बैठे हैं बात करेंगे, उदासी में बैठे हैं बात करेंगे, पहले दोनों भाई मिलकर बर्तन साफ करेंगे। दोस्तों ऐसी एनर्जी बना के रखो, उज्जैन से भी और थोड़ा ज़्यादा दूर से हमारे एक भाई आए हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जब तक वो स्टेज पे आके अपने मुंह से पहला शब्द मुंह से फोड़ ना लें तब तक तालियां बजती रहनी चाहिए। तो प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ आशिक, थोड़ा जोर से, थैंक यू। अरे शुरू करता हूँ, अगर कुछ मैं शायरी कहने में थोड़ा गलत राह पे चले जाऊँ तो सीधी राह पे ला देना, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। शुरुआत करता हूँ, और ज़्यादा अगर उर्दू अदब ऊपर से जाए, वैसे सुनाऊँगा नहीं उर्दू में ज़्यादा, फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं बेसब्र ओ बेसुकून हूँ, कोई तो मुझको सुकून दे। मैं बेसब्र ओ बेसुकून हूँ, कोई तो मुझको सुकून दे। चंद आयते कुरान सुना कर मेरी बेचैनी को सुकून दे। एक अजीब सी मिठास है उसके अंदाज़े कलाम में, अंदाज़े कलाम मतलब बात करने का अंदाज। एक अजीब सी मिठास है उसके अंदाज़े कलाम में, वो अगर गाली भी सुना दे तो कानों को सुकून दे। वो अगर गाली, कितने अमृता ने एक प्यारी चीज बोली, चिरैया, चिरैया किसको इसको पता है, हुहू, नहीं नहीं हुहू, यूट्यूब पे एक वीडियो है तो उसकी एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आसमां में उड़ती चिरैया, जी है ना, कि आसमां में उड़ती चिरैया, जमी पे रहते पशु और पेड़ पौधों में होता जीवन, वाह करो, पेड़ पौधों में होता जीवन, जिसकी खोज की जगदीश चंद बसु ने। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का सार निकालो, बिल्कुल आदमी ऐसे बैठे ज्ञान की बात ही बता, क्यों बताऊंगा मैं, नहीं आती मेरे को ज्ञान की बात, मैं थोड़ा जलेबी जैसा सीधा इंसान हूँ है ना, ढोकले जैसा मीठा है ना। और बताइए धर्मेंद्र जी कहाँ आजकल
आप ये मत बोल देना ही इज नो मोर, सारे बच्चे घबरा जाएंगे, फिर पीछे धर्मेंद्र जी ने हाथ रख दिया, हम डर जाएंगे, समझे है ना। हमारे साथ कुछ कुछ आर्टिस्ट हैं, बढ़िया प्यारे हैं, अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं सुनेंगे तो फिर हम क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते है ना। आप कब से मॉडल हैं मैम? वो सब फोन ही घबरा, क्या मॉडल कब से? अच्छा आप आर्टिस्ट हैं आप? अरे उनको दिन भर से कोई दिखा नहीं, उनने रोका ही, लड़की है रोक लेते हैं। इट्स जस्ट जोकिंग, ठीक है, यू आर सो प्रिटी, ओके। सही बोला, खबर भी तो करना होता है।